फिर भी वो जो है म्युनिसिपैलिटी की जगह पर जो है महीने का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो म्युनिसिपैलिटी की जगह पर उन्हें बनाया, उसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने एक ड्राइव शुरू की। वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर मैं डीसी साहब से कहूंगा कि वो क्या माफिया से करते हैं। मैं शहर के लोगों का शुक्रिया गुजार करता हूँ और मैं दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा तावन दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम लोन पर दूर करो, दुकानदारों ने यहाँ तक कहा है, ये काम जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। किला हमारी जो है एक धरोहर है, उसके आगे इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उसके आगे 250 फुट के 250 मीटर के अंदर कोई चीज नहीं बनेगी, फिर भी वहां पर लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं और डीसी साहब खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं डीसी साहब से ये कहता हूँ बड़े अफसोस के साथ, हमारी काउंसिल बने हुए 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं, आज तक उन्होंने काउंसिल की एक मीटिंग भी नहीं बुलाई और हमसे यहां तक नहीं पूछा कि आपके शहर में क्या प्रॉब्लम है। डीसी साहब से यह पूछता हूँ कि आज शहर के इतने हालात खराब है, इतनी जो गुंडागर्दी है शहर के अंदर, तो क्या वो यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पर उनको कम से कम काउंसिल को बुलाना था, पूरी काउंसिल को वहां बुलाकर बात करनी थी और स्पॉट पर चलना था, देखना था अगर हम लोग गलत हैं तो हमें हमारे खिलाफ आई बात करना था। और मैं दूसरा ये कहूंगा, ये जो माफिया है लैंड माफिया, वो जो है वो कुछ कह रहा है, वो टंडन वो बकवास कर रहा था एक दिन कि सलारिया साहब मुझे कहते हैं कि 10 मरले जमीन दे दो, तो टंडन मैं तुझे कह दूं कि हमारा कोई काउंसिल चोर नहीं है ना बिकने वाला है, हम 17 काउंसिल बैठे हैं, चोर तुम लोग हो जिन्होंने यहाँ पर शहर में ड्रग का माफिया बनाया है, चोर तुम लोग हो जिन्होंने यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट की लैंड अगवाई की है। और मैं डीसी साहब से ये कहूंगा कि 2014 में एक निशानदेही हुई थी वहां पर, जो कि हमारी म्युनिसिपैलिटी की लैंड अकेले के सामने निशानदेही हुई, वहां पर तार लगाई गई, फिर भी उनको वहां पर जो है उन्होंने रेड़ियां लगाई हैं और रेड़ियों का कम से कम वो 2 लाख रुपए मिला कमाते हैं और वो म्युनिसिपैलिटी की जगह है। वो डीसी साहब से मैं कहूंगा कि फौरन जल्द से जल्द वो जगह खाली करवा के म्युनिसिपैलिटी के हवाले की जाए, ताकि हम वहां पर एक पार्किंग बनाएंगे, किला बाजार के साथ जो गाड़ियां लगती हैं वो एक साइड पर रहेगी, वो जगह हमारी है, वो किसी के बाप की नहीं है, वो लोगों की सरमाया है, लोगों की जगह है, पब्लिक की जगह है। और मैं शहर के उन 86 लोगों से कह दूं कि जो लोग उनकी पुष्टाई करते हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनको यह समझना चाहिए कि शहर शहर का मसला है, मसले पर उनकी जो है नहीं करना चाहिए। सियासी आदमी लोग हैं, हम भी सियासी लोग हैं, हमारे साथ भी सियासी लोग नहीं है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि कानून के उल्लंघन करने वाले को हम साथ देंगे। हम कानून के साथ चलते हैं, जो हमारी चीज है, जो लोगों के फायदे की चीज है, लोगों के हित की बात है, वो हमने कर रही है, किसी से हमें डरना नहीं है। अगर डीसी साहब को लैंड माफिया का कोई डर है तो वो हमें बताएं, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी जो है सफाई कर्मचारी की हड़ताल जो है तब तक जाए, हम पर गुंडागर्दी का राज है, क्या जो जिद्दी जाए वो गुंडागर्दी मचा सकता है? डीसी साहब को इतना क्या डर पड़ गया है? कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वो खुद चले साइड को देखे, जो काम उनका है वो हम कर रहे हैं। यूनियन छीन के लेंगे, छीन के लेंगे अपना हक। हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है कि हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शनिवार का दिन था, मैं सलारिया साहब यूपी अंकल साथ में थे, हमने पूरा प्रोसीजर जो है लीगल तरीके से किया था, हमने डीसी साहब से परमिशन ली, एसएसपी साहब से परमिशन ली, सबसे परमिशन ली कि हमने ये काम किया है। हमें नहीं पता वहाँ पे नायब तहसीलदार साहब को उन्होंने मैजिस्ट्रेट पावर उन्होंने हमारे साथ लगाई थी, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डीसी साहब ने आर्डर चेंज किया, तहसीलदार साहब को वहाँ लगाया और उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। जब वहाँ इंक्रोचमेंट हम हटा रहे थे, तहसीलदार साहब जाके छुप गए अनंत होटल के अंदर जाके, हमने वहाँ से उनको 3 बार पकड़ के लाया और उनको हमने आगे किया, फिर वो छुप गए। मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ी नालायकी की एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिन्होंने हमारा ताबून नहीं, सिर्फ 5 आदमियों की वजह से जो ये इंक्रोचमेंट नहीं हटी। अगर शायद वहाँ पुलिस और अगर तहसीलदार साहब अगर ये उनको ऑर्डर दे देते कि इनको उठाओ, शायद आज ये इंक्रोचमेंट हट जाती और इतना बड़ा मसला नहीं बनना था। ठीक है, इसमें सारी मुझे नहीं पता डीसी साहब को शायद कोई पॉलिटिकल लीडर का दबाव या किसी का है। आज 3 दिन हो गए, ना ही डीसी साहब ने हमें कोई फोन किया, ना ही प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने बुलाया। आप सोचिए उनको आम लोगों की जनता की कितनी परवाह है डीसी साहब को, उनको शायद वही लोग चाहिए जो उनको सलूट करें, जो उनको तारीफ करें और जो उनके आगे पीछे घूमे कि आप अच्छे हो आप अच्छे हो। रमजान का महीना चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई इतने परेशान हैं, लेकिन उन लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, फिर वो हमारा ताबून दे रहे हैं,
क्यों? उन लोगों को पता है कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है और वो सब लोग हमारे साथ हैं और लोग सब वो हमसे कम है। टंडन साहब ने वहां हमें कहा कि कौंसलर साहिबान चोर हैं, वो आके हमसे पैसे मांगते हैं, खोखे मांगते हैं। मैं आपको बता दूं कि टंडन साहिब के वह जो है जहाँ दुकान है वहाँ गलती से भी उनके अंदर कोई गाड़ी चली जाती है 300 रुपया वो छिमटियों से ले लेते हैं, वो हमें देगा कुछ? वो खुद भीख मांगता है, हमारे पास था तो 300-300 से लेता, हमसे महीने के पैसे ले लिएकर गाड़ी को जितने तेरे को चाहिए, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तूने 5-5 हजार के खोखे जो लोगों को किराए पे दिए हैं, लोगों को तूने किराए पे दिए हैं, उनसे तू मार छपट के तुमको लेता है, आज क्यों नुकसान कर रहा है? आज उनके साथ कोई नहीं है, आप बताइए। किसी तरफ से हमारे किसी भी साहिबान को कोई फोन आया कि कोई उठाओ धमकी उठाओ जा कुछ, उन लोगों को बताए कि यो गलत है और यो हटेगी और हमारे जो FIR जिन लोगों के खिलाफ लगी है वो लोग अरेस्ट नहीं होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा लोगों ने कोई फेसबुक पे कोई यूट्यूब में कहाँ कहाँ कि सलारिया गुंडा है कुछ है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ धमकियों से। ये बुद्धिस्ट लोग ऐसा करते हैं, सलारिया एक शेर है, वो शेर की तरह ही रहेगा। हमारी जो टीम हमारे साथ है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं कहता हूँ मुबारकबाद हमारी टीम को जो हमारे साथ शना शना खड़ी है, हम इनके लिए अपने खून का कतरा कतरा हाजिर कर सके। और मिस्टर टंडन, अभी तो शुरुआत हुई, आगे देख क्या क्या हो रहा है, वो तो होने वाला है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी ड्राइव होगी, तुम याद करोगे ये ड्राइव इलीगल जो है इसको किसी सूरत में माफ नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे खून का कतरा चाहिए, सलारिया वो भी हाजिर कर देगा। और जो जो इंप्रूवमेंट हुई है यहाँ पे, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं ये जो लोग मेरे खिलाफ बातें करते करो, मुझे को किसी से डर नहीं है। जो बेचारे गरीब लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू है, चाहे वो सिख है, अगर वो वहाँ पे फड़ी लगाता है, कुछ लगाता है, वो 8,000 रुपये किराया देता है। मैं वादा करता हूँ, मेरे चेयरमैन सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वादा करके बताता हूँ उनको, हम ऐसी जगह वहाँ प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिर्फ 500 रुपये होगा, 8,000 नहीं होगा, सिर्फ 500 रुपये होगा। हमारी कोशिश है लोगों को जोड़ने की और लोगों के उनको फायदा देने के, ना कि उनको नुकसान देने के लिए। बाकी रहा टंडन, तेरी कितनी औकात है, तेरी औकात क्या है, मैं तेरे को जानता हूँ तेरी क्या औकात है। तू 1 रुपया किसी को गरीब को नहीं देता, तू क्या हमें देगा, तुम्हें क्या खरीदेगा? तू शर्म कर, तू शर्म मान ली, तेरी जो लैंग्वेज यूज की है, इसका जवाब हम देंगे। बाकी रहा हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमें ऑर्डर दो, सलारिया केड़े जाके वहाँ काम करवाएगा, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम हमारी हाजिर है। SSP साहब, आपका कोऑपरेट किया बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ से जब पुलिस हटी DC के ऑर्डर से या किसी के ऑर्डर से, ये बड़ी गलत बात है। पूंछ की पूरी हवा, मैं कहता हूँ हमें कम से कम 100 कोई तारीफ करे, तारीफ अपने भगवान से ली जाए वही अच्छा होता है, ली जाए वो अच्छा होता है। हमने एक ड्राइव शुरू की है, ड्राइव शुरू करने के बाद हमें दिक्कत आई है, दिक्कत आने के बाद हमारे उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे एम्प्लॉई मारे गए, उनको पथरा हुआ, काउंसलर को लग गई, हमने पर्चा लगाया, FIR रजिस्टर की है, सामान गाड़ी तोड़ गए। अगर ये बात होती, अगर हम गलत आदमी होते, अगर गलत तरीका हमने अडॉप्ट किया होता, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होती। हमारा जो एक्ट था वो एक्ट हमारा करेक्ट था और उस एक्ट के बिना पर ही के ये हालात बने, हालात बन गए, कोई बात नहीं है, इसका भी कोई रास्ता निकलेगा। देखो हमने जब टेकअप किया, मैं देखो नौकरी किसी को मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरे दो ही काम है म्यूनसिपलिटी में, या साफ सफाई करानी या लाइटें लगवानी, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी थी, वो पूरा मैंने काम किया है। वो पूरा काम करने के बजाय हमारे खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा गया और लड़ाई झगड़ा करवाया। देखो लोगों की ताकत देखो, उनकी मानसिकता देखो, कि पत्थर उठाए और मेरी गाड़ी पर और मेरे काउंसिलर पर मारे, उनको इतनी ताकत आ गई है, वो ताकत ख़त्म करनी है। जो आदमी गलत होता है उस आदमी को क्या एक लेसन सिखाना होता है कि तू गलती कर रहा है, इन फ्यूचर गलती नहीं करनी, उस गलती का खमियाजा वो भुगतेगा। अभी एक वो बात नहीं है, वो कहते हैं कि ड्राइव आपने शुरू की है, एक जगह से शुरू की है, एक कास्ट को आदमी को नुकसान किया, मेरे सामने हिंदू भी उसी लाइन में है, सिख भी और मुस्लिम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी गलत करेगा मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं उसको रिमूव करूंगा, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। बाकी रही बात, दो अगर कोई हमारे साथ कोई नेगोशिएशन होती है, कोई बात होती है, ठीक है, कोई एक्शन करते हैं, अगर उनको अरेस्ट करते हैं, FIR तो लग गई है, हमारी FIR करेक्ट थी तो लगी, अगर उनकी करेक्ट होती तो लगती, उन्होंने खुद हम पर हमला किया है, अगर कार्रवाई होगी ठीक, वो हमारे साथ टेबल टॉक करेंगे,
हमारे साथ बैठेंगे। मैं चाहता हूँ कोई फैसला जल्द हो, क्योंकि रमज़ान का महीना है, सफाई का ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, लाइटों का सिस्टम नहीं है, एम्प्लाई काम नहीं करेंगे, इसीलिए ये डीसी साहब को चाहिए और ये जल्दी जल्दी फैसला करे। या फैसला नहीं कर सकता वो, या फैसला हम पर छोड़े, हम करेंगे फैसला। वो डरे मत, जो आदमी वो डरना नहीं, जो आदमी डरा वो मरा, डरने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उनको आगे आना चाहिए, फ्रंट पर बात करें। उनको क्या डर है, मुझे समझ नहीं आती है। वो दो साल यहाँ पर है, दो साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगी, आज उनकी अपोजिशन हुई हो आज इसको ट्रांसफर करके भेज देंगे, लेकिन डरने से क्या मिलेगा, फिर वो दोबारा यहाँ पर जाएंगे, वहाँ फिर डरेंगे, फिर उसकी लाइफ गुजरेगी नहीं अच्छी। इसलिए यहाँ से डरना, अपना डर खत्म करके चले जाए, और फिर अगर कोई नेगोशिएशन करते हैं वो ये रड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई इतने कठोर अपने विचार रखें, हमारे हल करें। मेरे जो पर्चा लगा हुआ है, पर्चे के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर उनको अरेस्ट करें, और जितना भी डैमेज है मेरा म्यूनसिपलिटी का, वो डैमेज पूरा करें, बात करेंगे टेबल पर बैठ के। अगर हमसे कोई गलती है, हमारी गलती हमें दिखाएं, वो हमें आपकी ये गलती है, बाकी आप ये अपने मन में एक विचार रखें कि आपका प्रोटेक्शन करना, आपकी सहयोग करना, आपका साथ देना मेरा फर्ज है, मैं आपका साथ दूंगा, आपने मेरा साथ दिया। नंबर दो बात यह है कि आप अगर कोई बात होती है साफ सफाई की, वो जल्दी दूर करेंगे। एक बात और मैं कहता हूँ कि जो जजमेंट है, जो जजमेंट हाई कोर्ट की आई हुई है, जजमेंट आज के दो साल ढाई साल तीन साल पहले की है कि विद इन फोर्ट प्रमिसिस अगर कोई 200-250 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, वो आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। वो कंस्ट्रक्शन रोकने बजाय और एनकरेजमेंट देते हैं, उनके ऊपर और कंस्ट्रक्शन चढ़ाते जाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसका कोई हल नहीं है। इसको रिमूव करना है और रिमूव करके ही रहेंगे, जितना भी बाजार है उसको खुला करना है, वो खुला करके ही रहेंगे, जब तक आदमी का आना जाना बिल्कुल तरीके से और अच्छे ढंग से ना हो। बाकी मैं